पापा को पकड़ो, खड़े हो जाओ, कोशिश करो, चलो चलो चल के दिखाओ। अमन खड़ा नहीं हो सकता था, चलना तो बहुत दूर है, अमन बिल्कुल ही नहीं खड़ा हो सकता था, बस इसको हम जबरदस्ती एक हाथ उधर से एक हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच कर रन करते थे इसके साथ, जिसकी वीडियो सर के पास है। अभी कंडीशन ये है कि मेरा बेटा एक स्टिक पर नॉर्मल चल रहा है और बिना स्टिक के चलने का प्रयास कर रहा है, और जो कि मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद भी है, डॉक्टर साहब ने भी यही बताया कि विद इन 6 मंथ ये बिना स्टिक के भी आराम से चलना शुरू कर देगा, और यही उम्मीद लेकर के मैं जा रहा हूँ। और जो आज कंडीशन है वो कंडीशन जो सोचा था उससे बेटर है। मेरा एक सपना था, जब मैं लोगों से चर्चा करता था कैसे मेरा बेटा बीमार है, ये है, तो जिसको दिखाया वो ये कहते थे कि ये बच्चा चलना तो बहुत दूर है, ये खड़ा भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े डॉक्टरों ने मुझसे ये कहा, पर मेरा दिल ये कहता था कि ये बच्चा एक दिन मेरे साथ खड़े होकर के चलेगा। मैं इतना खुश हूँ और वो दशा लेकर वो स्थिति लेके मैं जा रहा हूँ कि जो मैंने सोचा नहीं था। मैं इतने रकम से कम हिंदुस्तान में मैं इस बच्चे के चक्कर में 150 डॉक्टरों के संपर्क में रहा हूँ, छोटे बड़े, कोई कस्बे में बैठा हो, चाहे कोई बड़े हॉस्पिटल में बैठा हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट में हो, मैं बहुत सी जगह जो तंत्र मंत्र विद्या अक्रम सक्रम में तुम्हें बिलीव नहीं करता, पर जो बड़े बड़े लोग वायदे करते थे कि वहाँ जाने से ये हो जाएगा, वहाँ जाने से ये हो जाएगा, जहाँ भी गया वहाँ सिर्फ लोगों ने खाली देखा, टेस्ट किया और अपना जो भी है जो सिटी स्कैन कराओ, MRI कराओ, ये कराया, उसके बाद में उन्होंने कुछ कर नहीं पाए, वो जवाब ही दे दिया कि बोले बस इतनी हो सकता है, जो गाने से। और जितने भी लोग मेहनत करते हैं, अगर डॉक्टर साहब जो मेहनत करते हैं वो एक अलग तरह की मेहनत है, जितनी मेहनत ये करते हैं मैं समझता हूँ आज के ज़माने में कोई भी डॉक्टर इतनी मेहनत नहीं करता होगा, जो बच्चे के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और रिजल्ट भी आता है। इतना कहूँगा कि जब मेरा बेटा 0 से 0 बना है, तो बाकी सभी से एक ही संदेश देना चाहूँगा कि बिलीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर साहब के पास आएँ, संपर्क करें, और जो इनके बताए हुए रास्ते पर चलें तो जो उम्मीद लेकर के डॉक्टर साहब के पास लोग आते हैं उससे भी बेहतर रिजल्ट मिलता है, और वही रिजल्ट लेकर के मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, जो मैंने खुद नहीं सोचा था। क्यों, मेरे को जितने लोग मिले 15-16 साल की अवस्था में सबने यही कहा कि इसकी सेवा करी है, इसको अच्छा खिलाई है, अच्छा पहनाई है, ये तो बस भगवान की देन है, अब तो ऐसा नहीं, आगे कुछ नहीं हो सकता है, परंतु डॉक्टर साहब की मेहनत ने, डॉक्टर साहब ने वो करके दिखाया जो मेरा एक सपना था। मेरा अमन शर्मा है और मैं कलकत्ता से आया हूं और मैं यहां पर इलाज करा था। मेरा नाम दिया शर्मा है, मैं कालका डिस्ट्रिक्ट पंचकूला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा बेटा है, ये 14 फरवरी 2000 में जब पैदा हुआ तो 12:05 पर इसका जन्म हुआ, और 2 बजे के करीब केवल 2 घंटे के बाद ही इसके पूरे शरीर पर ब्लैक स्पॉट्स पड़ना शुरू हो गए थे। तो जहाँ पर ये पैदा हुआ वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको एम्स में रेफर कर देते हैं, कहने का मतलब सिर्फ उनका ये था कि ये बच्चा थोड़ी बहुत देर का है और ये बच्चे रहने। उसके बाद कई डॉक्टरों को वहाँ पर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे बुलाया गया और इसको जो है ट्रीटमेंट शुरू किया, 2.5 साल तक वो ट्रीटमेंट करते रहे, उनको भी इस बीमारी के बारे में कोई पता नहीं लगा। जब इनका सिटी स्कैन कराया तो सिटी स्कैन में इसके ब्रेन में एक ब्लैक स्पॉट आया। उसके बाद में इसको लेकर के चंडीगढ़ PGI गया, चंडीगढ़ PGI वालों ने भी कोई खास ना होकर के फिर मैंने इसको एम्स लेके गया, 11 महीने मैंने इसका एम्स में इलाज कराया। उसके बाद तो उन्होंने भी जब मना कर दिया कि बस इतना ही हो सकता है, आप इसकी एक्सरसाइज कराइए, सेवा करिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा पहनाइए, बाकी इसको खुश रखिए। उसके बाद में प्राइवेट डॉक्टरों के पास दिल्ली में करीब से कम 10 डॉक्टरों के संपर्क में गया और वहाँ से भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर वापस PGI चंडीगढ़ गए, उन्होंने भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद 2.5 साल होशियारपुर में वहाँ पर इसकी फिजियोथेरेपी कराई, वहाँ से भी कोई रिजल्ट मिला पर कोई खास संतोषजनक रिजल्ट वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद फिर जहाँ जिसने बताया वहाँ जाते रहे, कभी दिल्ली, कभी उदयपुर, बाबा रामदेव जी के पास भी मैं गया, बाबा रामदेव जी के यहाँ भी दिखाया, वहाँ भी 5-6 महीने ट्रीटमेंट चला, वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। तो फिर एक और हरिद्वार में डॉक्टर जोशी हैं, उनके यहाँ 5 महीने उनके यहाँ ट्रीटमेंट किया, वहाँ भी कोई आराम विशेष नहीं मिला। उसके बाद मुझे चलोसी में एक बच्चे के पेरेंट्स से पता लगा कि इस तरह से इलाहाबाद में डॉक्टर जैन साहब इस बीमारी को ठीक करते हैं, तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आया। डॉक्टर साहब ने देखा, इसके साथ इतनी प्रॉब्लम थी, पूरा इसका डैमेज था, पैर इसका घुटना इसका जुड़ा हुआ था, हाथ इसका मुड़ा हुआ था। तो देखने के बाद पहले तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुश्किल है, कुछ संभव नहीं हो पाएगा, फिर भी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर साहब ने देखा, भारा करा,
2014 से हम डॉक्टर साहब के संपर्क में रहे, 16-17 महीने पहले रहे, उसके बाद 5 महीने के लिए हम अब आते रहे। तो जो मेरे बेटे को जो मैंने सोचा था उससे कई गुना बेटर रिजल्ट मिली मेरा। जब पहले भी 2014 में हम यहाँ लेकर के आए थे भाई साहब हमारे, तो यहाँ 2-2.5 महीने तो ये प्लास्टर में रहा था। पहले तो जैसे दिल्ली वगैरह या चंडीगढ़ वगैरह में दिखाते थे हम लोग, तो उस समय तो ये नहीं लगता था कि ये बच्चा जो हमारा चल जाएगा, बट यहाँ आने के बाद और यहाँ पर भी देखा, त्रिशला में देखा और अपने वहाँ जहाँ सीबीओ में हम लोग रहते हैं सरौड़ी शुक्ला मार्केट में, तो वहाँ पर भी हमने जब देखा, वहाँ की मेहनत देखी, अपनी मेहनत देखी, तो जब हमने अपना थोड़ा सा देखा तो हमें लगा कि एक दिन अपने पैर पर जरूर खराब होगा ही होगा। मैं सबको ये कहता था कि ये बच्चा चलेगा, पर ये जो सपना है मेरा डॉक्टर जैन साहब के यहाँ आने पर, ये मेरा सपना पूरा हो गया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो शब्द मेरे पास नहीं है जो जैन साहब के लिए मैं कह सकूँ कि जो उन्होंने करके दिखाया वो ये समझ लो कि कोई डॉक्टर कोई भी नहीं कर सकता था। जितनी मेहनत से डॉक्टर साहब ने इसके ऑपरेशन किए, जितनी मेहनत से उनकी टीम ने इसका इनका मेरे बेटे का एक्सरसाइज की, मैं खुद भी अप्रभ हूँ कि इतना रिजल्ट आना मेरे भी समझ से परे था। और उम्मीद करता हूँ कि त्रिशला फाउंडेशन खाली इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में अपनी एक अमिट छाप बनाएगा आने वाले समय में। आज भी विदेशों से यहाँ पर बच्चे आते हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके ट्रीटमेंट कराएँ, और मैं सभी से एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जैन साहब पर केवल बिलीव करें यहाँ करके, और उनकी टीम के और डॉक्टर साहब के बताए हुए दिशा निर्देश का पालन करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% यहाँ रिजल्ट मिलता है। बस सकते हैं, बस पेशेंस रखने की जरूरत है, डॉक्टर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। जितने भी जो कोई भी मेरे को अगर देख रहा है, जो कोई भी मेरे को सुन रहा है, तो मैं उनके लिए यही संदेश दूंगा कि वो विश्वास के साथ में और अपनी भावनाओं को लेकर के इलाहाबाद पहुंचे और त्रिशला फाउंडेशन में डॉक्टर जैन सर के पास उनकी टीम के द्वारा उनकी थेरेपी कराएं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं 100% उनका बच्चा यहां से चल करके जाए। मैं अंत में सीपी पेरेंट्स को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी ये झाड़ पूछ एंड देन जो लोग साधु संत महात्मा पंडित जो पाखंड बता देते हैं उन पर बिलीव ना करके, उनकी वजह से बच्चों की एक्सरसाइज और इलाज में ज़्यादा टाइम लगाएं, ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कोई भी झाड़ पूछ ये वो ग्रह नवरात्रि शांति पढ़ाने, क्योंकि मैंने ये सब कुछ करके देखा है, कुछ हुआ नहीं है कि ये शांति करा लो, वो करा लीजिए, कि वहाँ झाड़ पूछ करा लीजिए, तो ये झाड़ पूछ से बचें। दूसरी बात, योग्य डॉक्टर के संपर्क, ऐसे बच्चों को लेकर के योग्य डॉक्टर, जैसे अपना हिंदुस्तान तो सौभाग्यशाली है कि डॉक्टर जैन जैसी शख्सियत हमारे हिंदुस्तान में है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो रिजल्ट ये देते हैं वो गार्जियंस की उम्मीद से बेटर है, बशर्ते इन पर बिलीव किया जाए, समझा जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों के प्रति लोगों का नज़रिया क्या है, लोग क्या बोलते हैं ऐसे पेरेंट्स को भी, क्योंकि मैंने कुछ झेला है हमारे घर से लेकर के बाहर तक, उसको सबको अनसुना करें। आपके बच्चे में कौन क्या बोलता है उसको छोड़ दें, सिर्फ अपने बच्चों के अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं और अच्छी तरह से इनकी केयर करें, या हो सके तो अच्छी से अच्छी इनको एजुकेशन दिलाएं। बच्चा हमेशा आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। अगर आपने सोच को अपने मन को कुंठित कर लिया, उनकी बातों पे चले गए कि लोग हमसे क्या कह रहे हैं, आपका बच्चा ऐसे है, आपका बच्चा ऐसे है, तो आप अपने बच्चे में वो रिजल्ट नहीं ला सकते जो लाना चाहिए। मेरे से भी दुनिया ने बहुत कुछ कहा, तेरे कोई पाप, मेरे से तो यहाँ तक कहा कि कोई तेने ऐसा पाप किया होगा जो तेरा एक ही बेटा है, एक बेटा ऐसा हुआ ये वो, पर मैंने किसी की सुनी नहीं। मेरी श्रीमती जी ने अपने ससुराल में, जब हमारा जहाँ पे मेरे मायका जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे हमारी ताई चाची भी यही कह रही थी, आज तेरे साथ में क्या हो गया। इस तरह का समाज है, समाज कुछ भी कह सकता है ऐसे बच्चों को लेकर के। मैं उन पेरेंट्स को एक ही चीज कहता हूँ कि कौन क्या कह रहा है इसको नजरअंदाज करें, इस कान से सुने उस कान में निकालते हैं। हमें सिर्फ एक ही फोकस करना है कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देनी है, बेहतर से बेहतर इलाज कराना है, बेहतर से बेहतर उसको खाना खिलाना है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिनके घर में ऐसे बच्चे होते हैं उनको किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इन बच्चों की अगर अच्छी देख रेख कर लेते हैं तो, क्योंकि जितने भी साधु संत और जितने भी बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो यही कहते हैं कि उन व्यक्तियों की सेवा करिए आप जिनको जरूरत है। तो इन बच्चों को हमारी जरूरत है, तो हम क्यों ना मंदिर मस्जिद की बजाय, ठीक है हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानते रहें, परंतु वहां टाइम लगाने की बजाय अपने बच्चे पर ज्यादा टाइम दें तो वो ज्यादा सकारात्मक परिणाम होते हैं।
जिस एरिया में आप रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में बताएं कि लोग जो बिल्कुल हाथ थक के बैठ गए हैं कि अब इन बच्चों का कुछ हो नहीं सकता, लोग उनकी केयर करना भी कम कर देते हैं, दूसरे बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, या जिनके पास दूसरा बच्चा नहीं है तो दूसरे बच्चे के उसमें लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से ये हो जाए वो हो जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि इन्हीं बच्चों पर फोकस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चों को बताया जाए, पेरेंट्स को बताया जाए कि डॉक्टर साहब ये इनका इलाज संभव है, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि मुझे ये 17.5 साल के बाद सफलता मिली है। लोग टूट जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इलाज कराते हैं, 6 साल इलाज कराते हैं, जब कहीं सफलता नहीं मिलती है तो लोग अंदर से टूट जाते हैं और हाथ थक करके बैठ जाते हैं, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक पेरेंट्स के सांस में सांस है तब तक प्रयास करना चाहिए। ऐसे बच्चों में 100% रिजल्ट अगर नहीं मिलता तो 90-95% तक बच्चे के ठीक हो जाते हैं। इतनी मेहनत डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की टीम करती है मैंने कहीं नहीं देखा और ना ही कोई करता है, इसीलिए यहाँ पर आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इतनी मेहनत के साथ साथ इतने कम पैसे में जो डॉक्टर साहब रिजल्ट देते हैं वो इतने कम पैसे में कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि दूसरी जगह कहीं ऑपरेशन कराने जाएंगे तो 4-5 लाख रुपए नॉर्मल कोई आदमी छोटे से छोटे ऑपरेशन का ले लेता है, और डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ 50-40 हज़ार से 60 हज़ार से 70 ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के नीचे नीचे ऑपरेशन कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ी कम पैसे में अच्छी सुविधाएं, यहाँ के फिजियोथेरेपिस्टों का व्यवहार परिवार की तरह है, यहाँ के सारे लोगों का व्यवहार ऐसे लगता ही नहीं कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 17 महीने में पहले रहा, मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में था। लोग मेरे से मेरे रिश्तेदार पूछते हैं कि यार हॉस्पिटल की लाइफ कैसी होती है, कैसे भी नहीं होती, हॉस्पिटल की लाइफ बहुत इजी है, मेरे को लगता ही नहीं है कि हम हॉस्पिटल में। और अब भी 5 महीने से मैं, हमें तो नहीं लगता, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ बैठा है मेरे भाई का है, मेरा भाई है ये, इसका बहुत बड़ा रोल है इसके रूप में, चाचा भतीजे की जो भी है, और यहाँ ये फेमस भी है चाचा के नाम से पूरे आपके त्रिशला फाउंडेशन में। तो जो मेहनत करने में डॉक्टर साहब का, फिजियोथेरेपिस्टों का, और उसके साथ साथ इसके चाचा का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद इतने कम पैसे में इतनी मेहनत में इतना अच्छा रिजल्ट हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए लोगों को यहाँ आना चाहिए और यहाँ डॉक्टर साहब के साथ रह करके 3 महीने के लिए। कोई नहीं सिखाता है कि पेरेंट्स खुद डॉक्टर बन जाए, कोई नहीं कहता है कि पेरेंट्स को खुद फिजियोथेरेपिस्ट बना दें। लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से कराते रहिए और उनका पैसा आता रहेगा, पर यहाँ डॉक्टर साहब एक अनूठी पहल कर रखी है कि सिर्फ पेरेंट्स को ही फिजियोथेरेपिस्ट बना देते हैं कि भाई ये 3 महीने हमारे यहाँ सीख लो बाकी आप कराते रहिए। उसका रिजल्ट जो है एक अनोखी पहल है, मैं समझता हूँ कि